स्टूडेंट, 10 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन के बारे में, बहुत से फिनोमेना को देखे थे रिफ्रैक्शन के बारे में। लेकिन आज जो पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ पर वैलिड होता है, कहाँ पर इनवैलिड होता है, किस बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि टोटल इसके बारे में जो भी हम बेसिक्स है उस बेसिक्स के बाद को हम क्या करें यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानें कि जो रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है उसके बारे में जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था मैंने कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो बेस्ड वहाँ पर क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगा तो उसकी स्पीड जो है ना वो अलग अलग मीडियम अलग अलग होती है। स्पीड जैसे ही चेंज होता है वैसे क्या होगा उसका, उसकी और भी चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे वेवलेंथ चेंज होता है, हाँ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, और उसका कलर चेंज नहीं होता है। अगर वाइट लाइट डालेंगे दूसरी तरफ निकलेगा वाइट लाइट ही रहेगा, रेड डालेंगे तो रेड ही होगा। मीन्स कि जो भी आप लाइट का यूज़ करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी तो कलर भी इसका नहीं बदलेगा, ठीक है। बदलेगा तो क्या, उसका वेवलेंथ बदलता है और उसका उसकी वेलोसिटी बदलती है। आइए बच्चों लोग क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाइए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले पढ़े तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मीडियम का होना ज़रूरी है, लेकिन जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे यहाँ पर कम से कम दो मीडियम का होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ आवश्यक शर्त है उसको हम उसको ज़रूर समझेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए एक ऐसा क्या है, एक मीडियम है, इधर हम एयर कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, इधर वाटर कंसीडर कर लेते हैं, या गिलास भी कंसीडर कर सकते हैं। लाइट का क्या होती है, जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में इंटर करती है जिसको जाना चाहिए था ऐसे ही, ठीक है। लेकिन जैसे ही इंटरफेस में पड़ती है ना तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है। स्पीड के चेंज होने की वजह से क्या होता है, ये स्पीड परिवर्तन के कारण, चाल में परिवर्तन के कारण क्या होता है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होता है, बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ पे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ में पढ़ा है इंसिडेंट रे, कौन सा इंसिडेंट रे, ये वाला, ओके। दूसरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, कौन सा, ये वाला, ठीक है। एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, ठीक है। आर लाइंग इन, लाइंग एट सेम पॉइंट, सेम पॉइंट इन अ सेम प्लेन, इन अ प्लेन लिख देते हैं सिंपली, इन अ प्लेन। ये फर्स्ट लॉ उसी तरह से जैसा कि रिफ्लेक्शन के लॉ में है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, हाँ ऑल आर लाइंग इन सेम पॉइंट सेम प्लेन, फर्स्ट वाला लॉ उसी तरह से है। सेकंड वाला क्या कहता है लॉ, इस सेकंड लॉ में देखेंगे बच्चों तो क्या कहता है, ये साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है बच्चों, और इस पूरे टर्म को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। और यहाँ पर जो म्यू है ना, इस म्यू को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि उससे जब लाइट पास करेगी तो कितने लाइट को क्या करेगी, अपने पास से डेविएट करेगी। मीन्स क्या होगा कि जितना मटेरियल आप यूज करेंगे, मटेरियल का नेचर जैसा होगा उस नेचर के हिसाब से क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं, एयर है वाटर है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए पैरामीटर विच इज यूज टू डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओन पाथ, ओके। लाइट अपने पास से कितना डेविएट करता है, कितना डिफ्लेक्ट करता है, कितना रिफ्रैक्ट करता है, उसी के पैरामीटर का नाम क्या है बच्चों, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग
एक और फिजिकल क्वांटिटी के को रिलेट करके हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम इसमें रिलेट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अगर हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, या उसको ऐसे भी कहा जा सकता है म्यू वन अपॉन म्यू टू, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है बच्चों लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू। मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों कि जिसकी जिसमें वेवलेंथ जैसा होगा, वेवलेंथ का अगर हम कंसिडरेशन करेंगे तो ये रेशियो आता है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसिडर करते हैं तो ये आता है, और हम वेलोसिटी को स्पीड ऑफ लाइट को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये रेशियो आता है। मतलब ये हुआ कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दूसरे तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली बात हम ये कहें कि इस क्वेश्चन को अगर पूछे व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को हम यही पुट करेंगे साई आई आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू, यही स्नेल्स लॉ है। आपसे पूछा व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो यही होगा, और थर्ड पूछा जाएगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग यही बताएंगे साई आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होता है कि इट इज ए कंपैरेटिव क्वांटिटी। कंपैरेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या, हमने उस दिन भी कहा था लास्ट वीडियो में मैंने कहा है कि स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उतना ज्यादा उतना कम होगा। मतलब ये एक ऑप्टिकली जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जो ऑप्टिकली क्या होगा रियरर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कम होगा। जैसे हम देख लेते हैं, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गया ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लिख लेंगे इट इज अ पैरामीटर, इट इज अ पैरामीटर पैरामीटर विच इज यूज्ड टू डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट कैन डेविएट फ्रॉम इट्स ओन पाथ व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम लाइट रेज इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये क्या बच्चों, एक ऐसा पैरामीटर है जो यूज करता है कितना अमाउंट ऑफ लाइट क्या होता है डेविएट होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा वन मीडियम यहाँ पर हमने लिया, फिर अगले मतलब इसमें इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे क्या कि यहाँ पर मीडियम तीन लेंगे तो फिर क्या होगा डेविएशन कितना होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ओके, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, और हमारे इस क्लास 10 के वीडियो में, क्लास 10 के जो सिलेबस में उसमें क्या लिखा हुआ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो दो टाइप्स हैं, दो तरह का कंसीडर किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आइए इसको लिखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आइए देखते हैं यहाँ पे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आपको बात कर चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स का मतलब ये है हमारे यहाँ क्या सूचकांक बोलते हैं हिंदी में, एक ये सूचकांक है जो अंक दर्शाता है, मतलब नंबर डिनोट करता है कि कौन सा मीडियम रेयरर है कौन सा डेंसर है। आइए देखते हैं बच्चों, ये दो तरह का होगा, एक को कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष, एब्सोल्यूट रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो होता है रिलेटिव
रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हिंदी में कहते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको तो म्यू से डिनोट करते हैं, इसको जो डिनोट किया जाता है म्यू नोट से, इसको जो डिनोट किया जाता है म्यू आर से। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे म्यू नोट के बारे में बच्चों, तो म्यू नोट बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यहां देखिए हमको जिस मीडियम में निकालना है उसका फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे सी अपॉन वी, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ये हमारा क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला है। याद रखना है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो फिक्स 3 इनटू 2 पावर क्या है 8 मीटर पर सेकंड फिक्स है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हम जिस मीडियम को कंसिडर कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, या हम डायमंड ले रहे हैं, या केरोसिन ले रहे हैं, मतलब मीडियम को हम बदल सकते हैं, मीडियम को हम बदल सकते हैं। जब मीडियम को बदलेंगे तो वहां पर स्पीड ऑफ मीडियम में लाइट जो है, लाइट की स्पीड जो मीडियम में क्या होगी, चेंज होगी। डिवाइड करेंगे तो हमको जो मिलेगा वैल्यू क्या होगा, उसका किसका वैल्यू होगा बच्चों, वो हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होगा, ना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। आई बात समझ में, तो रिलेटिव का मतलब क्या है कि अब पहले एब्सोल्यूट को पढ़ लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या एयर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे पहले वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों वो 1 माना जाता है, एयर का जो माना जाता है वो अप्रोक्स 1 माना जाता है। उसके बाद आएंगे वाटर का, देखेंगे बच्चों वाटर का 1.33 लिया जाता है। सर गिलास का लेंगे, गिलास से भी पहले केरोसिन ऑयल लेते हैं बच्चों, केरोसिन ऑयल लेते हैं, इसमें 1.41 आता है, उसके बाद 1.41 आया, उसके बाद केरोसिन के बाद हम लेते हैं क्या गिलास ले लेते हैं, राइट, गिलास का आता है 1.5 आता है, उसके बाद डायमंड ले लेते हैं, डायमंड लेते हैं वो कितना आता है, डायमंड का 2.42 आता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है बच्चों, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो क्या होगा, जो गिवन हमको जो टेबल बताया गया है वो कहां से आया है, वो यहीं से आया है कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। देख लेते हैं बच्चों स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हम किस में निकाल रहे हैं, पहले वैक्यूम में निकाल रहे हैं, वैक्यूम में भी, वैक्यूम भी एक मीडियम है, इससे क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसका वैल्यू कितना है बनाया। उसी तरह से हम क्या करेंगे एयर में निकालेंगे, एयर में तो 2.99 लेंगे तो एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आएगा। उसी तरह से वाटर लेंगे, वाटर में क्या होगा, वाटर में जो स्पीड है किसकी, हाँ लाइट की जो स्पीड है वो कितनी है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो क्या हो जाएगा, अगर वाटर का निकालने की कोशिश करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अपॉन 1.5 × 10⁹ कितना 8, ओके। तो यहाँ देखिए ये 1.5 नहीं किसका होगा, ये तुम किसका है, यहाँ पर 2.5 × 10⁹ कितना है 8 मीटर पर सेकंड। अब इसको पॉइंट में लाएंगे तो 1.33 आएगा, ये कहाँ से आया, यहीं से तो है, कहाँ से, जैसे फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू ये हमारा आ जाएगा। ये जो टेबल आपको याद करने के लिए कहा जाता है वो याद करने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी चीजें कहां से आएंगी, ये फार्मूले से आएंगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है क्या, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो है उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे म्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या म्यू 1 अपॉन म्यू 2, या तो ऐसा भी कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। मतलब क्या कि जब एक किसी एक मीडियम को कंपेयर करेंगे, यहां तो हमने वैक्यूम को ले लिया, हमारे पास वैक्यूम क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है,
यहाँ पर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं लेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब एक अगर आ गया रिलेटिव किसी का रिलेटिव आ गया तो जैसे एयर का सपोज करते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना 1 है और वाटर का कितना दिया हुआ 1.33 है, इसको अगर μ1 मानेंगे इसको μ2 मानेंगे, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा रिलेटिव मतलब ये होता है कंपैरेटिव क्वालिटी क्वांटिटी, एक का दूसरे से क्या करना कंपेयर करके, और कंपेयर हम लोग क्या मैथमेटिक्स में क्या करते हैं मैथमेटिक्स में कंपेयर हम लोग करते हैं कैसे उसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करके कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जान लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन बातों पर डिपेंड करता है, हर एक मैंने कहा कि मटेरियल का नेचर जैसा जैसा होगा वैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होता रहेगा। जैसे देखते हैं ना कि आदमी के अंदर ईमानदारी का गुण होता है, ईमानदारी की प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे आदमी को चेंज करते हैं वैसे उसकी प्रॉपर्टी वेरी करता है, ऐसा नहीं कि हर आदमी एक ही जैसा होगा। ठीक है, हाँ नहीं तो फिर उसके आधार कार्ड पर मिला सकते हैं। ठीक है, एक जैसा नहीं होगा, न तो उसका फिंगरप्रिंट होगा नहीं तो उसका कोई रेटिना का जो है वो स्कैन वो एक जैसा होगा, जब ये सब एक जैसा नहीं है तो क्या नेचर एक जैसा होगा, नहीं होगा। ठीक है, नीचे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, अपना मैंने लिखा है मटेरियल नहीं लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन। ओके, फर्स्ट वन क्या है, सबसे पहली बात क्या है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वर्तमान तापमान पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम सपोज करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा घट जाएगा, कैसे घटेगा कि जब किसी मेटेरियल को गर्म करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं रैंडमली मूव करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा, और रेयरर मीडियम में लाइट बहुत स्पीड से चलती है। जब किसी मीडियम को गर्म करते हैं टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है घट जाता है, और लाइट बहुत तेजी से क्या होती है बढ़ने लगती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसी भी प्रकाश के किसी भी लाइट के कलर पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कलर चेंज करिएगा ना, तो कलर चेंज करिएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बदलेगा, हमने देखा आपने देखा भी होगा पढ़ा भी होगा, जब किसी प्रिज्म से लाइट गुजरती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है स्प्लिट कर जाती है टूट जाती है, तो सबसे जो नीचे है ना वो क्या होगा कौन होगा, सबसे नीचे विद्योर पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं विद्योर, सबसे आखिर में क्या होता है रेड होता है। देखते हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वायलेट की अलग इसकी अलग इसकी अलग, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी तो वेवलेंथ भी अलग अलग होगा, जब वेवलेंथ अलग अलग होगा तो उसका डेविएशन भी अलग अलग होगा, समझ जाइए इस बात से ये होगा कि उसके कलर पर डिपेंड करता है। तीसरा चीज क्या चीज पर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मटेरियल को हम का निकाल दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके चारों तरफ जो सराउंडिंग है ना, चारों तरफ का जो मटेरियल का सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग का नेचर कैसा है इस बात पर भी डिपेंड करता है। आप अच्छे आदमी हैं अच्छी बात है, लेकिन किस माहौल में रह रहे हैं इस बात पर भी डिपेंड है, आप अच्छे आदमी और हाँ चोर के मोहल्ले में रह रहे हैं तो लोग आपको अच्छा आदमी नहीं कहेगा, आपको ज़रूर कहेगा कि लगता ये भी मिला हुआ है। ठीक है, उसी तरह से क्या है कि यहाँ पे जिस मटेरियल का हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस ये किस मीडियम में रखा हुआ है, आसपास का मटेरियल कैसा है, इसका नेचर कैसा है, इस बात पर भी वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है उसका जो है नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा क्या है बच्चों नेचर ऑफ मटेरियल मटेरियल का नेचर तो पहले बता दिया, मटेरियल का नेचर कैसा होगा, हाँ मीडियम भी लिख सकते हैं मटेरियल भी लिख सकते हैं जिससे पास कर रहा हो मीडियम है। ठीक है, चार चीज हमारे पास आ गई, पहला क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कलर पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, दूसरे बात नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है कि मीडियम का नेचर कैसा होगा, जैसा नेचर होगा वैसा उसकी चेंजिंग होगी। और क्या है बच्चों लास्ट क्या है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट का वेवलेंथ कैसा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से हमने पढ़ा दो फार्मूला, एक पढ़ा क्या म्यू नॉट इज इक्वल टू होता सी अपॉन वी, एक पढ़ा क्या म्यू आर इज इक्वल टू होता म्यू वन अपॉन म्यू टू, ऐसा फार्मूला पढ़ा। इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए ये एक बकेट है, बकेट में क्या है एक पर्सन यहाँ से देख रहा है, राइट, ये पर्सन यहाँ से देख रहा है, वाटर यहाँ पे फिल है, इसमें वाटर की हाइट जो है वो कितनी है बच्चों, वाटर की हाइट जो यहाँ पे है मेंशन क्या हुआ कितना 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, ओके। और एक कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब लाइट यहाँ से यहाँ पर क्या होती है रिफ्रैक्ट करती है, और रिफ्रैक्ट करती तो इसको बाहर जाना चाहिए था, बट ये न जाकर के ये मुड़ गई इसी तरह से, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे इसको पीछे की तरफ बढ़ाया गया बच्चों, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इस तरह से बना हुआ दिखा मुझे, ओके। डेंसर से रेयरर जा रही लाइट, यहाँ पर बहुत सारे रेज होंगे, हमने एक रे को कंसीडर करके डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा दिया है, ठीक है। ये जो है ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन जो है वो रियल पोजीशन है, क्या है ये रियल पोजीशन है, और ये वाला अपेरेंट पोजीशन है, अपेरेंट पोजीशन जिसको हिंदी में कहते हैं आभासी स्थिति, ये हमारा वास्तविक स्थिति है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, ये रियल डेप्थ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डेप्थ है होल डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक का बच्चों क्या है ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, और ये क्या है अपेरेंट डेप्थ है। तो हमने ये पढ़ा है कि लाइट कहाँ से डेंसर से रेयरर में प्रवेश करती है, इंटर होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई मालूम पड़ती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें अपेरेंट डेप्थ निकालना है, ये यहाँ से आकर कितनी दूरी है। तो हम जान रहे हैं, हम जान रहे हैं क्या कि म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है सी बाय वी, ऐसा पढ़ा है फार्मूला, सी बाय वी पढ़ा है, ओके। और म्यू नॉट के बारे में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि म्यू नॉट अगर वाटर का कंसीडर कर रहे हैं, वाटर का कंसीडर करने से क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है 1.33, कि ये जो हमारा म्यू नॉट का वैल्यू कितना वाटर के लिए होता है 1.33, यहाँ पर पुट कर देंगे। सी का वैल्यू तो मालूम है, ऐसे भी हो सकता है, या नहीं तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, इस तरह से कहा जा सकता है कि रियल डेप्थ अपॉन क्या है C by V is equal to real depth upon ये apparent depth, ठीक, real depth upon apparent depth, real depth में ये C का वैल्यू पता है 3 × 10⁻¹ मीटर/सेकंड होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों 2.25 × 10⁻¹ मीटर/सेकंड होता है, 2.5 होता है, 2.25 होता है, देख लीजिएगा रियल डेप्थ कितना है बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और अपेरेंट डेप्थ को आप एक्स मानिए, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है, 10 × 2.25/3, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू आया, ये अपेरेंट डेप्थ का वैल्यू आया, कितना ये आपका हो जाएगा, कितना इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, आज बन रही आगे हमने बनाई, ठीक है बच्चों। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है अपेरेंट डेप्थ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डेप्थ है। अगर पूछेगा बॉटम से कितना उठा हुआ दिख रहा है, तो बॉटम से क्या करेंगे 10 में से इतना माइनस कर देंगे,
अगर कह देगा कि हाँ कितना ऊपर उठा हुआ दिखेगा तो अगर ऊपर से लेंगे तो कितने दिखेगा, अगर हम बॉटम से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम बॉटम कितना होगा बच्चों, तो 10 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो 2.5 सेंटीमीटर ये अपवर्ड अब उठा हुआ हमें दिखेगा, क्या जो ऑब्जेक्ट को रखे थे नीचे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में गिवन डेटा दिया हुआ है कि वाटर एंड ग्लास refractive index of water and glass is 4/3 and 3/2. Find refractive index of glass with respect to water. ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में क्या करना है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। ये तो हमारा क्या रेफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें मालूम था, ये वैल्यू ना भी पुट करते तो हम क्या वैल्यू नोट करवा दूंगा, 1.33 पुट करते हैं और 10/x करते हैं, x का वैल्यू आ जाता। ठीक है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन को पूछता है कि पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रम से 4/3 और 3/2 है, पानी और कांच का जो अपवर्तनांक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है कितना, आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है के गिवन डाटा क्या दिया हुआ है कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33, नहीं यहां पर बाय में दिया हुआ 4/3 दिया हुआ है। ठीक, और दूसरा लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 3/2, कह रहा है कि फाइंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या बताएं बाबू कि इस एक का वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होगा, हमारे हमको किसका वैल्यू निकालना है, ग्लास का वैल्यू निकालना है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहां पर निकालेंगे a mu g इज इक्वल टू होगा क्या, ये किसके रिस्पेक्ट में, पहले ये वाटर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम लोग, एयर के रिस्पेक्ट में किसका, वाटर का, और एयर के रिस्पेक्ट में किसका, गिलास का, तो दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का और एयर के रिस्पेक्ट में, देखिए यहां पर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, वाटर के ऊपर देखिए गिलास के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इसको नीचे लिखेंगे, कितना होगा, ये एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का कितना दिया हुआ है, 4/3 बाय इसका है 3/2, जब इसको कट करेंगे तो देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल, नहीं होगा, जबरदस्ती कैंसिल नहीं करना है, 4/3 × 2/3 कितना जाएगा, 8/9, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एमसीक्यू में पूछता है, तो आप इसको भी क्या करेंगे, मार्कआउट करेंगे, इसको बनाएंगे खुद से एक बार, देखेंगे क्या होता है, अगर आप मिस्टेक कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एंगल दिया रहता है, कभी कभी क्या दिया रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया रहेगा, ये तो हो गया इस तरह का क्वेश्चन। कभी कभी क्या दिया रहेगा कि एक मतलब कि लाइट जो है इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पर जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिया हुआ 60 डिग्री। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो स्ट्राइक कर रहा है लाइट सरफेस पर क्या है, इंसिडेंट कर रही है, तो जो नॉर्मल से एंगल है मींस क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका वैल्यू हमको 30 डिग्री दिया रहेगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी दिया रहेगा कितना 60 डिग्री, तब पूछे व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट इट इज अ पैरामीटर व्हिच डिसाइड हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड डिफ्रैक्ट हाउ मच अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड अकर्स, दैट्स व्हाई we are using here refractive index stand for mu is equal to sin i upon sin r, कितनी बार आप बोले इसको याद हो जाए, right, sin i means sin 30, okay, and sin r means sin 60, sin 30 value कितना होता है बच्चों,
याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट 1 अपॉन 2 होता है, इंसाफ होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? 3/2 होता है। अब देखेंगे ये वाला, ये वाला इसकी सेकेंड ऑर्डर होगा, क्या हो जाएगा 1/3। आप इस रूट 3 के वैल्यू को पुट करेंगे, आपका ये वैल्यू आपके हाथ में। ठीक है, एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रूट 3 का वैल्यू दिया रहेगा, साइन 1.732 दिया रहेगा, तो ये कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास रेशनल है, फिर भी जाकर के क्या होगा, फंसेंगे ही। दिक्कत की बात नहीं है, वैल्यू पुट करने के इतना बल के पुट कर सकते हो, प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ओके, कभी कभी क्या दिया रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई हो, स्पीड ऑफ लाइट तो वैक्यूम में मालूम ही है, स्पीड ऑफ मीडियम वैक्यूम, ये स्पीड ऑफ मीडियम हाँ पूछा जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पूछा जाएगा, कितना स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में है। इसी फार्मूले से हम यूज करके स्पीड ऑफ लाइट एंगल दिया रहेगा, ओके एंगल दिया रहेगा, इसी तरह से म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आई इस तरह दिया रहेगा, राइट। और यहां पे लिखा रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीन, नहीं क्या साइन इज इक्वल टू लाइट इन ब्रैकेट में ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब एंगल मेंशन दिया रहेगा, क्या रहेगा 80 मालूम तो है, तो भी कभी कभी क्या दिया रहेगा, 3-4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी का वैल्यू मालूम है, वैक्यूम में मालूम है, 3 का मालूम है, तो क्या है स्पीड ऑफ मीडियम कर लेते हैं। पूछा जाएगा, सपोज करिए स्पीड ऑफ लाइट निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट जबकि हमने क्या कहा कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में बताया था एंगल दिया रहेगा, लाइट के जिस मीडियम पर जा रहा है स्ट्राइक हो रही है, इसी तरह से कितना 30 डिग्री है कौन सा है, और फिर क्या हो रहा है, राइट, वहां निकल हो रही है 60 डिग्री पर निकल आई है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है ऐसा दिया रहेगा। फिर ऐसे के बारे में क्या करना है कि मेंशन दिया दिया और हमको क्या निकालना है, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालो, मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालने का तरीका क्या है, जिसको जब हमने सॉल्व करके लाया कितना 1/√3 यहां लिख देंगे, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं वैल्यू, सपोज साइन 30 का हाफ लिख लिया 1/30 लिख, हां उसका क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे, कैंसिल हो जाएगा 1/√3 आएगा। उसके बाद देखिए 3 साइन 60 है ना, और ये स्पीड ऑफ लाइट क्या दिया, और v का वैल्यू यहां निकालना, v बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना जाएगा 3√3 लाएंगे, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, या तो अगर क्या कर रहे हैं हम लोग 3√3 का वैल्यू पुट कर देंगे, अपॉन क्या होता है v = 1.732 3 वो पुट करेंगे वैल्यू आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ज्यादा कुछ करने का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे इसके बाद क्या है, और पैरामीटर है जिसका यूज करते हुए पता चलता है कि रिलेट करने के बाद लाइट अपने पास से कितना डेविएट हुई है या नहीं हुई है, डिपेंड क्या कर रहा है कि मीडियम में इंटरफेरेंस के बाद कितना जा रही है, लेंस एरर वाले होने वाले डेविएट तो करेगी, लेंस फॉर्मूला वो भी नॉर्मल की तरफ हो या अभी प्रॉब्लम क्या बात देखेंगे, आई बात समझ में, हम ये हो गया हमारा, इसके बाद करेंगे कुछ फिजिकल में देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारे इस वीडियो होने वाले करेंगे, ब्रैकेट की घटना है और नाउ का अध्ययन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, जो हमारा आज के दौर में जो प्रैक्टिकली एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उस पर भी डिस्कस करेंगे। और आपसे ये अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें, और वीडियो में अगर कहीं पर गलत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपका ये सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, हम आपके सजेशन को सराहते हैं, हम आपके सजेशन की अच्छे सजेशन की हाँ लेने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, आप हमें सजेस्ट करें अगर वीडियो में कहीं पर किसी तरह का कोई मिस्टेक दिखे, और हमारे वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।